हाँ जी दोस्तों, चाणक्य एजुकेशन अकेडमी बरनाला च तुहाडा स्वागत आ। अज असी हिस्ट्री ते पोलिटिकल दे कुछ क्वेश्चन करांगे। चैनल नूं सबसक्राइब करो ते वध तों वध अपने दोस्तों विच शेयर करो। स्टार्ट करदे हां जी पहले क्वेश्चन तों। अशोक ने अपने सारे विलेखां दे विच एक रूपता लई किस प्रकिरत का प्रयोग किया गया। ए अर्धमागधी, बी सौरसैनी, सी मागधी, डी अंगिका। सही आंसर की है जी इहदा, ए अर्धमागधी। क्लियर है जी। अगे करते हैं अगला क्वेश्चन है जिहड़ा। चाणक्या की सी? ए प्रधानमंत्री, वी वित्त मंत्री, सी सेनापति, जां डी कोई भी नहीं। इहदा सही आंसर है जी ए प्रधानमंत्री। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सांची दा स्तूप अते सांची का स्तूप आ जिहड़ा वो किस नूं समर्पित आ? सांची का स्तूप आ जिहड़ा किहनूं समर्पित आ? जैन नूं, दूसरा मुस्लिम नूं, तीसरा बुद्ध नूं, चौथा ईसाई नूं। इहदा सही आंसर की बनता जी? बुद्ध धर्म नूं। अगला करते हैं चौथा क्वेश्चन। मौर्या साम्राज विच प्राचीन मुद्रा का नाम सी जिहड़ा? मौर्या साम्राज आ जिहड़ा उहदे विच प्राचीन मुद्रा होगी उहदा नाम की आ? पाणा गा, ए बी तोल, सी काकणी, डी दिनार। इहदा सही आंसर की है जी? ए पण। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हैगा पंजवा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन सी? अशोक का उत्तराधिकारी कौन सी? ए कुणाल, बी राहुल, सी बिंदुसार, डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। सही आंसर की है दा? ए कुणाल। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन। मुद्राक्ष का लेखक कौन है? मुद्राक्ष का लेखक कौन है? मुद्राक्ष का लेखक कौन है? ए अश्वकोश, बी कालिदास, सी विशाखादत्त, डी पाश। इहदा सही आंसर है जी सी विशाखादत्त। सातवां क्वेश्चन करते हैं। मौर्या काल विच सिक्ख्या दा प्रसिद्ध केंद्र? मौर्या काल दे विच सिक्ख्या दा प्रसिद्ध केंद्र केड़ा गा? ए नालंदा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा वैशाली, चौथा उज्जैन। सही आंसर की बनता जी इहदा? पहला नालंदा। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं अठवां। किस दे ग्रंथ विच मौर्या साम्राज का वर्णन होया? कि ग्रंथ दे विच मौर्या साम्राज का वर्णन होया गा? ए पाश दे विच, बी सुदर्क, सी विशाखादत्त, डी अश्वकोश। इहदा सही आंसर की बनता जी? सी विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन नौवां। अशोक दे अभिलेखां दी भाषा? अशोक आ जिहड़ा उहदे अभिलेखां दी भाषा कीहड़ी आ? ए संस्कृत आ,
बी पाली आ, सी प्रकृतिक आ, डी हिंदी आ। कि है जी यदा आंसर बनता सी, कि भाषा प्रकृतिक। दसवां क्वेश्चन आ, भारत विच यमनिका, यमनिका का मतलब की होंगे परदा, परदा प्रथा कि ने आरंभ की है। जी भारत दे विच परदा प्रथा कौन लेके आए ने, कौन लेके आए ने जी यदा। ए शक लेके आए ने, बी परथियन लेके आए ने, सॉरी सी परथियन लेके आए ने, बी यूनानी, डी सोंग लेके आए ने, कौन लेके आए ने। यदा सही आंसर बनता जी बी यूनानी लेके आए ने, पर्दा प्रथा कौन लेके आए ने, यूनानी। ठीक है जी, अगे अगला क्वेश्चन है जेड़ा 11वां, चरक ते नागार्जुन किस दे दरबार की शोभा सन। चरक ते नागार्जुन, ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्या, डी समुद्रगुप्त। यदा सही आंसर की बनता जी, यदा सही आंसर बनता कनिष्क। कौन? चरक ते नागार्जुन। क्लियर है जी। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, कुछ कुषाण काल विच सब तो वध विकास किस खेत्र विच होया। जिहड़ा कुषाण काल दे विच सब तो वध विकास किहड़े खेत्र दे विच होया, धर्म दे विच, बी साहित दे विच, सी कला दे विच, डी वस्तु कला दे विच। इहदा सही आंसर आ डी, किहदे विच, वस्तु कला दे विच। अगला क्वेश्चन करते हैं 13वां, सतवाना दे समय किस धातु का प्रयोग होया सी। ए सीसा दा, बी तांबे दा, सी प्रोटीन दा, ते डी स्वर्ण दा। इहदा सही आंसर की है जी, ए शीशे दा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हैगा, मौर्या तो बाद भाषाशाली प्रभावशाली राजा सी। मौर्या तो बाद प्रभावशाली राजा किहड़ा सीगा। ए सतवाहन, बी चौल, सी पल्लव, डी चालुकुआ। इन्हां दा सही आंसर है जी ए सतवाहन। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं 15वां, भारत के पहले वार सैनिक मिलट्री गवर्निश किसने लिया। जिहड़ा सैनिक शासन आ जिहड़ा कौन लैके आया सी भारत दे विच, भारत दे विच सैनिक शासन आ जिहड़ा कौन लैके आया, सेना दा शासन। ए ग्रीक लैके आए, बी परथियन लैके आए, सी शक लैके आए, डी मुगल लेके आए। ये कौन लेके आए ने जी, सही आंसर है दा ए ग्रीक लेके आए ने। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं 16वां, कुशाणा दा संबंध आ, जिहड़े कुशाण ने वो किहड़ी जाति नाल संबंधित ने। ए सीथियन जाति नाल, बी चीनी ते यूची जाति नाल, सी परथियन नाल, डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। यदा सही आंसर की है जी बी, किहड़ी जाति नाल ने, चीनी जाति नाल। क्लियर है जी। अगला करते हैं, कनिष्क नूं बुद्ध धर्म किसने अपनाया सी। जिहड़ा कनिष्क होया उहनूं बुद्ध धर्म किहने अपना लिया। ए वशुमित्र ने, बी नागार्जुन ने, सी अश्वघोष ने, डी वाणपट ने। यदा सही आंसर किया जी अश्वघोष सी। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुरल किस भाषा, जिहड़ा कुरल आ किस भाषा विच है। ए ग्रीक दे विच,
बी तेलुगु दे विच, सी तमिल दे विच, डी पाली दे विच। सही आंसर की है दा सी तमिल दे विच। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन 19वां, तमिल दा ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस नाल संबंधित है? जिहड़ा तमिल दा ग्रंथ आ, तमिल भाषा च ग्रंथ आ जीवक चिंतामणि, किहदे नाल संबंधित आ? ए जैन नाल, बी हिंदू नाल, सी बुद्ध नाल, डी ईसाई नाल। किहदे नाल संबंधित है जी? इहदा सही आंसर की आ सी बुद्ध नाल। अगला क्वेश्चन करते हैं 20वां, किस ने वर्णन किया कि नंदा ने अपने कोश गंगा दी धारा विच छुपा लिया छुपा रखिया सी? ये किने वर्णन किया कि जेडे नंदा ने अपना कोश आ जड़ा गंगा विच छुपा रखिया सी? ए ममलूनार ने, बी नक्क कीकर ने, सी तोलक प्यार ने, ते डी उदयान ने। किने वर्णन किया सी? ये आंसर आ ए ममूल नार ने। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन 11वां करते हैं, सॉरी 21वां क्वेश्चन करते हैं, कलिंगन रेश खारेवाल किस वंश नाल संबंधित है? ए चेंदी नाल, बी हरनियक नाल, सी कदम नाल, डी कलिंग नाल। इहदा सही आंसर की बनता जी? ए किहदे नाल? चेंदी नाल। नैक्सट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच की स्पष्ट नहीं हुंदा? की स्पष्ट नहीं हुंदा? संविधान का स्रोत, ए शासन के लाग होने का विवरण, संविधान के लागू करन की मिति, कोई भी नहीं। ये भारत की प्रस्तावना जी, भारत की प्रस्तावना गी की स्पष्ट नहीं हुंदा? ये आंसर आ सी भारतीय लागू होने की मिति। क्लियर है जी। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, समाजवाद का अर्थ की है? 23वां, ए समाजीकरण नियंत्रण, बी राष्ट्रीकरण, सी समाजिक न्याय, डी कोई भी नहीं। यदा सही आंसर की है जी? समाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन 24वां, भारतीय संविधान विच किस तरह के लोकतंत्र का वर्णन है? ए संविधानिक लोकतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी समाजिक लोकतंत्र, डी लोकतंत्रिक गणतंत्र। इहदा सही आंसर की बनता जी? इहदा सही आंसर बनता डी लोकतंत्रिक गणतंत्र। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं 25वां, संविधान निर्माता दे किस उत्ते विशेष ध्यान दिता? संविधान निर्माताओं ने किस उत्ते विशेष ध्यान दिता? क्लियर है जी। इहदा सही आंसर की हैगा? हाँ जी, ए प्रस्तावना दे, बी मूल कर्तव्यां ते, सी मौलिक अधिकारां उत्ते, डी नीति ते निर्देश सिद्धांतां उत्ते। कादे उत्ते दिता? प्रस्तावना ते। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंगीकार जिन्हों आप अडोप्ट कहने हैं किया गया कदों अंगीकार किया गया? ए 26 नवंबर 1949 दे विच, बी 2 अक्टूबर 1949 दे विच, 48 दे विच सॉरी, सी 15 अगस्त 1947 दे विच, कोई भी नहीं। इहदा सही आंसर की बनता जी?
26 नवंबर 1949 दे विच। अगला क्वेश्चन करते हैं 27वां, भारत के किस भाग में स्पष्ट रूप में वर्णन है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है कि वर्णन मौलिक अधिकारों के DPSP के प्रस्तावना 9वीं अनुसूची कि वर्णन जी ये सी प्रस्तावना के। 28वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना की किस दी आ, भारतीय संविधान की जी संरचना की कि ए संघी आ, बी कठोर आ, डी एकात्मक आ, डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर आ। इहदा सही आंसर की बनता है डी कुछ एकात्मकता कुछ कठोर आ जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखती संविधान ने सब तो पहला जन्म लिया, लिखती संविधान सब तो पहला कितने जन्म लेता, ए फ्रांस दे विच, बी ब्रिटेन दे विच, सी USA दे विच, डी स्विट्जरलैंड दे विच। इहदा सही आंसर की बनता है फ्रांस दे विच। अगला 30वां क्वेश्चन लास्ट, भारतीय राज व्यवस्था विच केड़े सर्वोच्च, ए संसद आ, बी धर्म, सी संविधान, डी सर्वोच्च अदालत। यह आंसर की है सी संविधान। धन्यवाद जी।